जिन्हें फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट ना मिल पाया। आप लोगों को लगता है कि एक्चुअली हम बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति वाले आदमी हैं, अभी ऐसा देखने से लगता है, एक्चुअली ऐसी बात नहीं थी। जिस समय मेरी शादी हुई थी, जिस समय मैं जॉब में आया था, एक्चुअली आर्थिक रूप से बहुत ही खराब स्थिति थी हमारी। तो फिर जॉब भी हुआ तो जॉब भी में भी बहुत ज़्यादा वेतन नहीं था, तो पूरा परिवार को संभालना, अपने छोटे भाई को संभालना, क्योंकि पिताजी अर्ली एज में जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था उस समय उनकी मतलब मृत्यु हो गई, और मुझसे कोई बड़ा भाई नहीं था, फैमिली को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो आर्थिक स्थिति बिल्कुल एकदम चरमरा गई। मैं जैसे तैसे किसी तरह से ग्रेजुएशन किया, तो उस स्टेज में जो आम गरीब जो फेस करता है वही सिचुएशन मेरे साथ भी था। यदि मैंने डॉक्टर के पास जाना है तो वो भी सोचना पड़ता था कि मैंने पैसे कहाँ से लाऊं तो ठीक से इलाज करा पाऊँ। क्या कभी ऐसा हुआ कि शुभम जी ने पढ़ाई के दरमियान कुछ आपसे डिमांड किया या कुछ मांगा और आपने वो पूरा नहीं कर पाया? कभी उसने कोई डिमांड किया नहीं, तो वो इंटरेस्ट मैंने जानने का प्रयास करता था कि उसको एक्चुअली पसंद क्या है, प्रयास करता था कि उसके डिमांड को पूरा करूँ, मैंने उसके लिए व्यवस्था करूँ, लेकिन कभी कभी अच्छा भाव के कारण मैंने वो भी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन आपका ये प्रयास रहता था कि आप उन्हें हर प्रकार की हाँ 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 सर, आप भी बहुत अच्छे कर जाते, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन किस अभाव के कारण आप आ गए? वही बोले आर्थिक तंगी के कारण मैं जो चाहा वो कर नहीं पाया। उसी समय मैंने संकल्प किया कि जो मैं नहीं कर पाया वो अपने बच्चे को कराऊंगा। मतलब आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विजन जो टारगेट है उसके बीच में यदि आर्थिक तंगी आती है वो मायने तो नहीं रखता, ट्रैक चेंज हो सकता है। एकदम धैर्य रखना चाहिए, और आप चाहे वो आपके टारगेट में वो आर्थिक तंगी वो बाधा नहीं हो सकती है, बशर्ते आपका इरादा मजबूत होना चाहिए, संकल्प शक्ति। थोड़ा सा आपने चाहत पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि सर भी शुभम सर के जो पिताजी हैं वो भी आज तक कुछ अपने लिए नहीं किए हैं, केवल जितना भी इनकम हुआ है, शायद मैं सुना हूँ बहुत ग्रामीण लोगों से बात किया हूँ तो सब लोगों ने बताया कि जो भी ये कमाए हैं सब अपने दोनों बच्चे पर लगा दिए हैं, ये बात सच्ची है? एकदम सही, दोनों बच्चे ही नहीं, मेरे जिस समय मतलब कि मैं जॉब में आया उसमें मेरे अपने भाई को भी पढ़ाना था, तो भाई को पढ़ाना, घर संभालना, माँ की सेवा करना, उसका इलाज कराना, और उसके बाद बच्चों के पीछे। तो आप सुन लिए सब लोग, देखिए कितना साधारण परिवार से शुभम जी हैं, आप इन्हीं से अनुमान लगा सकते हैं, बहुत ही साधारण परिवार हैं। आप भी चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, बस जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए, कर्म के आगे सब कुछ पिछड़ जाएगा, पैसा रुपया कोई मायने नहीं रखता है, आप केवल जुनून है आप में तो आप कर गुजरिएगा। पैसा वाले भी नहीं पढ़ पाते हैं और बिना पैसा वाले पढ़ लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।